हेलो फैमिली, गुड न्यूज नेटवर्क के सीजन 2 के एपिसोड 5 में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं जॉनसन हूँ और मैं वंदना हूँ और हम आपको नई दिल्ली शहर से द सोल्ड आउट मूवमेंट के इस ईयर ऑफ स्पिरिट में रिपोर्ट कर रहे हैं। हम जनवरी के पूरे महीने में राष्ट्रों में आत्मा के कुछ कार्यों को आपके साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आज हम रोमांचकारी इन पर्सन मिशन कॉन्फ्रेंसेस और उसके बाद जनवरी के इनॉग्रल सर्विस की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करना शुरू करेंगे। हम दुनिया भर से खुशखबरी और डेनवर कोलोराडो के इवेंजलिस्ट और नए RCICCM डेनवर के अध्यक्ष जेसन वुडी के जीवन का एक दिन भी देखेंगे और अंत में हम परमेश्वर के आंदोलन में होने वाले कुछ बदलावों को कवर करेंगे जो कि परमेश्वर के वचन में गहरे विश्वास और दुनिया भर में हमारे कैंपस और टीम मिनिस्ट्रीज में पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण संभव है। तो आइए इस पिछले महीने के पहले कॉन्फ्रेंस के साथ सीधा चलते हैं। 2022 उत्तरी अमेरिका मिशन कॉन्फ्रेंस में जिसका शीर्षक ग्लोरी था और उसे शिकागो में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान लगभग 700 पैक वर्ल्ड सेक्टर के चेले शिकागो में डॉक्टर जॉन कॉजी, मिनियापोलिस के रिची मैकडोनल और हमारे आंदोलन के नेता डॉक्टर किप मकी और कई अन्य लोगों के अविश्वसनीय उपदेशों को देखने और सुनने में समक्ष थे। पैक संक्षिप्त में प्रोक्लेमिंग ऑलवेज क्राइस्ट किंगडम के लिए एक शब्द है और पैक पेंसिल्वेनिया के पश्चिम में उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 राज्यों को कवर करता है। पैक वन सेक्टर के पास कनाडा को प्रचारित करने का प्रभाव भी है। इस जीवन परिवर्तनकारी वीकेंड के दौरान शिष्यों को जूम लूम से बचने और इन पर्सन सर्विस में लौटने के लिए बुलाया गया था ताकि गैर मसीह लोग शिष्यों के प्रेम के माध्यम से एक बार फिर से ईश्वर को देख और महसूस कर सके जो कि मसीह की देह कलीसिया है। पूरे सप्ताहांत में पैक शेपर्ड्स के रूप में एलियांड्रो और सीएल पेनाडो और कैंडिसिया शेलब्रैक को पैक के पहली साइबर मिनिस्ट्री लीडर के रूप में और इंडियानापोलिस के डोमिनिक और लिंसी सैंडोवाल को इवेंजलिस्ट और विमेन मिनिस्ट्री लीडर के रूप में नियुक्त हुई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ग्लोरी कॉन्फ्रेंस 6 शानदार बपतिस्मों से खत्म हुई। रिची और हैना हार्डी के नेतृत्व में शक्तिशाली कंसास सिटी रेमनेंट ग्रुप की विदाई भी हुई जिसका शुरुआत लूक के माता पिता फ्रेड एंड वर्जीनिया स्पेकमैन द्वारा की गई थी। मैं उनके जोश से बहुत प्रेरित हूँ क्योंकि वे युवा मसीह हैं पर अपनी उम्र 70 के दशक में है। परमेश्वर के पास हमेशा हमें समृद्ध करने के लिए एक योजना होती है जब तक कि हम उन्हें अपने पूरे दिल से खोज रहे होते हैं। लोग आपके माता पिता वाकई कमाल के हैं। अब आइए होनोलुलु हवाई पर ध्यान केंद्रित करें जहां डेनवर, फिनिक्स, शिकागो, ऑरलैंडो, बोस्टन, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और निश्चित रूप से हवाई से 300 शिष्य 2022 हवाई द्वीप मिशन सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए और इस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था किंडल द स्पिरिट। खूबसूरत गायन, गुणती संगति और विश्वास में कई नायकों से उत्साहजनक उपदेश के साथ चेले इस अविस्मरणीय सप्ताहांत के प्रभाव के माध्यम से अपनी अपनी कलीसियाओं में उत्साह से लौट गए। वे 3 हवाई चर्चों के लिए नए साल की प्रार्थना लक्ष्यों को सुनने में सक्षम थे। उन्होंने मिनिस्ट्री ब्रेकआउट सेशंस भी ज्वाइन किए। 3 कैंपस सिंगल्स एंड मैरिज मिनिस्ट्री ने प्योर डांस का भी आनंद उठाया। आगामी 2022 सेजेस चर्च लीडर्स रिट्रीट अप्रैल 5 से 7 तक वह भी बहुत खास है जो बहुत ही रोमांचक है जिसके बाद ऐतिहासिक पहली कैरेबियन मिशन कॉन्फ्रेंस होगा। दोनों कार्यक्रम सैंटो डोमिंगो डोमिनिशन रिपब्लिक में होंगे। यह पहली बार होगा जब सेजेस यूएसए के चर्च लीडर्स सभी एशियन चर्च लीडर्स से मिलेंगे क्योंकि 11 ऐतिहासिक चर्चों में 600 से अधिक शिष्यों और 1 डोमिनिशन रिपब्लिक चर्च को 19 मेनलाइन चर्च ऑफ क्राइस्ट प्रीचर की नींव पर बनाया गया था जो कि बड़े
पैमाने पर अभिजान के ब्लेस एंड पेट्रिशिया फुम्बा और जीन बोर्नार्ड और लोबिलियन कोलिन जो कि जैकमेल हेटी से है के वीर प्रयासों के माध्यम से हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं आने वाले महीनों में हमारे पास कई रोमांचक सम्मेलन हैं, जिसमें लॉस एंजलिस में अगस्त में जीएससी भी शामिल है। 11 अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक मिशन सम्मेलन जिन इतने विश्वसनीय हैं क्योंकि वे दुनिया में राष्ट्रों के प्रत्येक समूह में शिष्यों के लिए एक वैश्विक नेटवर्क सम्मेलन के उत्साह शक्तिशाली उद्देश्य और एकजुटता का अनुभव करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन थोड़ी कम भीड़ के साथ। अब उन लोगों के लिए जो भविष्य में मिशन सम्मेलनों में भाग लेने की आशा रखते हैं, कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने चर्च के नेता से संपर्क करें। इसके अलावा यह पिछले महीने दो अद्भुत इनॉग्रल सर्विसेज थे। माइकल एंड स्टेफनी शेफर ने नेतृत्व में डेलावेयर मिशन टीम ने 23 जनवरी को अपने इनॉग्रल की मेजबानी की। हम इस नए कलीसिया को डेलावेयर इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्च कह रहे हैं क्योंकि चेले डेलावेयर के तीन शहरों डोवेयर, न्यूयॉर्क एंड वेलिंगटन में केंद्रित है। इस प्रकार अमेरिका के सबसे छोटे राज्यों में से एक को कवर करते हैं। इस उद्घाटन सर्विस में माइकल ने क्राउन ऑफ थॉर्न्स प्रोजेक्ट ऑपरेशन ईगल का हवाला देते हुए हमारे आंदोलन के मुख्य विश्वासों पर प्रचार किया और डेलावेयर को पहला इवेंजलाइज्ड राज्य बनने के लिए अपने सपने भी साझा किए और समाप्त किया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अपने उद्घाटन से पहले ही दो बपतिस्मे और कई बाइबल अध्ययन निर्धारित कर लिए हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है। और एडिनबर्ग लंदन से स्कॉटलैंड मिशन टीम ने भी कोबी एंड रेबेका ग्रे के नेतृत्व में 23 जनवरी को शहर के बीचों बीच खूबसूरत हिल्टन होटल में अपनी उद्घाटन सेवा की मेजबानी की। मिशन टीम के 10 सदस्यों और पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम और लॉस एंजलिस के 31 शिष्यों के साथ एडिनबर्ग इनॉग्रल सर्विस में 83 की उपस्थिति थी। असाधारण रूप से सिंगल्स को छोड़ के 42 मेहमान स्कॉटलैंड के शीर्ष विश्वविद्यालय एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र थे। कृपया इन अद्भुत मिशनरियों को अपनी प्रार्थनाओं में रखें क्योंकि वे सुसमाचार को विस्तार करते हैं और इन जीवान शहरों में नई आशा लाते हैं। उत्पत्ति 1:1 में कहा गया है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए अधिकांश समझते हैं कि कला, मीडिया और खेल मिनिस्ट्री, जिसे AMS के रूप में जाना जाता है, शिष्यों के लिए उनकी कलात्मक और पुष्ट क्षमताओं के माध्यम से सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इन वर्षों में हमारे चर्चों के परिवार ने देखा है कि इन क्षेत्रों में कई लोगों सही प्रकार से मसीह को जान पाते हैं और सच्ची मसीहत का प्रभाव उनके सामूहिक रचनात्मक प्रभाव से बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अभिनेता और लॉस एंजलिस AMS रीजन लीडर जोशुआ स्मिथ की एक अजीब जूम मीटिंग के चित्रण टिकटॉक पर वायरल हो गया। उसे 100 मिलियन के करीब देखा गया और हाल ही में पीपल मैगजीन टीवी शो में दिखाया गया है। उनकी पत्नी क्रिस्टन स्मिथ जो कि एक सीबीएस स्पोर्ट्स न्यूज एंकर है, अक्सर मस्ती में शामिल होती हैं। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि सड़क पर चलते हुए एक शख्स ने जोशुआ को अपने वीडियो द्वारा पहचान लिया। अक्सर वह अधिकतम लाभ उठाते हुए जोशुआ ने अपने विश्वास उनके साथ बांटा और वह व्यक्ति बाइबल का अध्ययन कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो कि स्मिथ्स ने परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का शक्तिशाली रूप से उपयोग किया। 2022 में सिंगल्स मिनिस्ट्री पर हमारे आंदोलन के नए सिरे से जोड़ देने के साथ लंदन के शिष्यों ने शनिवार की रात क्रिश्चियन नेटवर्किंग इवेंट द आर्ट ऑफ बीइंग सिंगल्स शीर्षक के साथ रखा था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने कला, संगीत, स्पोकन वर्ड और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का सम्मिश्रण किया, जिसने न केवल मसीही को बल्कि लंदन के इतने सारे मेहमानों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान संगीत प्रतिभा, कविता, व्यवसायिक विचार और हमारी बहन विनेसा खनु की एक लघु फिल्म कर्ल्स अंडन शीर्षक से प्रदर्शित की गई। नतीजन लंदन चर्च से अगले दिन
अपनी बहुत बड़ी रविवार सभा का अनुभव किया और इमान एक मिस और पूर्ण मुस्लिम द आर्ट ऑफ बीइंग सिंगल से इतना प्रभावित हो गई कि वह रविवार की सभा के लिए आई और अगले ही सप्ताह बपतिस्मा भी ले लिया। एमएस प्रोफेशनल तक पहुंचने की सुंदरता उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के माध्यम से देखी जाती है। न्यूयॉर्क शहर में हमने कई कलाकारों को मित्रों और समकालीन के पास पहुंचने के साथ जीवन होते देखा है। कई उदाहरण में से एक है ब्रॉडवे डांसर रेवन मैक्रेव, वह एक शिष्य बन गई और अपने बचपन के दोस्त खलीला कैम्बेल के पास पहुंची और उसे बपतिस्मा दिया। खलीला कैम्बेल विश्व प्रसिद्ध नृत्य कंपनी एल्विन एले का चेहरा है। सोशल मीडिया समुदायों तक पहुंचने का यह सहायक उपकरण भी रहा है, जिसका एक उदाहरण एलियास है जो न्यूयॉर्क शहर में एक प्रोफेशनल डांसर है और कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र है, जिन्होंने कई मौकों पर कुछ अलग अलग शिष्यों द्वारा एएमएस ने प्रारंभिक कोविड क्वारंटाइन के दौरान वर्चुअल वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया गया था। एलियास अपने दिल में जानते थे कि यह परमेश्वर उसे अपने करीब बुला रहा है और पिछले दिसंबर में उसने बपतिस्मा लिया था और आश्चर्यजनक रूप से रविवार 30 जनवरी को उनकी पत्नी एनरीज, जो एक सुंदर प्रोफेशनल बैले डांसर है, ने भी बपतिस्मा लिया। ऐतिहासिक रूप से आईसीओसी में दुनिया भर में एएमएस मिनिस्ट्री फुल टाइम और नॉन फुल टाइम नेतृत्व का एक और जीवन फव्वारा था जो कैंपस मिनिस्ट्री के बाद दूसरे स्थान पर था। यह इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्चेस में फिर से सच हो रहा है। 22 अप्रैल से 24 तक न्यूयॉर्क सिटी चर्च से जिस एएमएस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जो नए आंदोलनों ने हमारी अपनी तरह की एक नया सम्मेलन और पहला सम्मेलन होगा। रोमांचक रूप से लंदन और लॉस एंजलिस के स्पीकर्स, एएमएस लीडर्स जोसाया एंड क्रिस्टिन स्मिथ अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करेंगे। यह आयोजन उन सभी के लिए खुला है जो आना चाहते हैं। यह दुनिया भर से खुशखबरी का समय है। नौ जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में शिष्यों ने जेसन एंड सारा डिमिट्री के नेतृत्व में अर्ल और एब्रिल जोन्स को एक शेपर्डिंग कपल के रूप में नियुक्त करके और सैन पोंटियागो मिशन टीम को एडम और लॉरेंस ज़ेपेडा के नेतृत्व में भेजकर अपनी विंटर वर्कशॉप को समाप्त किया। उनके विश्वास निर्माण से भरी इस वर्कशॉप के अलावा यह चर्च महीने के अंत में लगभग 250 सक्रिय बाइबल स्टडीज और 11 बपतिस्मे साथ समाप्त हुआ, जिसमें जुड़वा बहने एस्मेराल्डा और मोजेडा शामिल थे। सैन फ्रांसिस्को से एक और हृदयविदारक समाचार है कि ईश्वर ने एक बीज को मणि दिया ताकि वह गुना करके फल ला सके, क्योंकि 23 दिसंबर को हमारी प्यारी बहन तेजा रॉबिन्सन, जो कि सिर्फ 22 साल की थी और 1 साल की शिष्य थी, का निधन हो गया। उनकी माँ फिलिशिया ने अपनी बेटी के दृढ़ विश्वास को देखा और जब तेजा के सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ सर्विस में उन्होंने शिष्यों द्वारा प्यार की उडेली हुई भावना को महसूस किया तो उन्होंने हाँ कहा जब सारा डिमित्री ने उनसे बाइबल का अध्ययन करने के लिए पूछा। फिलिशिया ने सिर्फ 6 हफ्ते के बाद बपतिस्मा भी लिया। आइए नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या शेयर किया। The prayers gave me strength, the phone calls, the hey, this is what I need. When I said to the ladies behind me, I need someone to call me every day and pray with me. That's what they did every single day. मेरे परिवार, हमारे द्वारा काम करने वाले यीशु के प्रेम की शक्ति को कभी भी कम मत समझो। इस परिवार में आपका स्वागत है फिलिशिया। हम जानते हैं कि आपकी खूबसूरत बेटी स्वर्गदूतों के साथ आनंद मना रही है। क्या दमदार कहानी है। 14 से 16 तारीख तक लंदन में अपनी विंटर वर्कशॉप की मेजबानी की, जहां उन्होंने 3 सोल्ड आउट जोशीले कैंपस स्टूडेंट्स को, जिन्होंने एक जमे हुए तालाब में बपतिस्मा लिया जिसकी बर्फ
तोड़ने में 15 मिनट लगे। इसमें टॉम चेक गणराज्य का एक पूर्व नास्तिक भी शामिल था। उनके चेहरे पर इस खुशी को देखिए। फ्रेंच भाषी अफ्रीका में 10 लगाए गए चर्च और अभिजन किंशासा और यौंगे के नेतृत्व में जनवरी में 51 और जुड़ गए। उन्होंने 45 आत्माओं को बपतिस्मा दिया और 6 को रिस्टोर किया। परमेश्वर ने उन्हें 1590 मजबूत शिष्यों से आशीषित किया। कितना ही बढ़िया है ये। जैसा कि अधिकांश जानते हैं, जनवरी की शुरुआत में रूस और नाटो के बीच यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ गया था, जिसमें प्रत्येक राजनीतिक स्थिति से मीडिया ने एक दूसरे पर सशस्त्र संघर्ष के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। कुछ ही दिनों बाद ओलेग और एलियोना सिरोटकिन के नेतृत्व में कीव चर्च यूरेशियन विंडो वर्कशॉप की मेजबानी की। मॉस्को के शिष्यों ने विश्वास की छलांग लगाई और वर्कशॉप में शारीरिक रूप से भाग लेने के लिए सीमा पार कर गए। किप और एलिना की एक और यात्रा में उनके साथ इस बार मोमेंट शेपर्डिंग कप टोनी एंड टेरिस ओंटालन और पैक वर्ल्ड सेक्टर के लीडर्स जॉन और एमा क्वाजी भी थे। उन्होंने चर्च को मजबूत किया गया है और आध्यात्मिक रूप से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। खोए हुए लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के लिए 2 साल से बाइबल का अध्ययन करने वाली एक युवा और प्रतिभाशाली कैंपस छात्र माशा के बपतिस्मे के साथ रविवार को वर्कशॉप का समापन होना ही उचित था। माशा ने देखा कि कैसे किप ने प्रचार इतने शक्तिशाली रूप से किया और कहा कि यह यूक्रेनी शिष्य रूसी शिष्यों और अमेरिकी शिष्यों की मीटिंग नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के एक परिवार के वैश्विक शिष्यों की एक पवित्र सभा है। आपको याद होगा या नहीं, जब हमने जून 2021 को प्रसारित सीजन 1 एपिसोड 10 के दौरान लीमा चर्च में जस्टिन के बपतिस्मे पर प्रकाश डाला था। उनके पिता 21 मई में जॉस्टिन के शिष्य यीशु का शिष्य बनने के लिए उन्हें सताने के इरादे से आए थे। जब जॉस्टिन ने अपने बपतिस्मे के बारे में बात की तो उन्होंने मन से अपने पिता की ओर इशारा करते हुए कहा था, मैं जानता हूँ कि आप अभी यह नहीं समझते, लेकिन एक दिन आप भी बपतिस्मा लेंगे। है 30 जनवरी जॉस्टिन ने अपने पिता रूबेन को बपतिस्मा दिया। रूबेन ने अपने बेटे के वफादार उदाहरण का अनुसरण किया और आंसू बहाते हुए अपने पत्नी की ओर इशारा किया और कहा, वही बयान जो कि अभी, ताकि वह भी जल्द ही बपतिस्मा ले सके। ऑस्ट्रेलिया चीन विश्व क्षेत्र के अच्छी खबर। लैनयांग के साथ इवेंटिस्ट डॉक्टर जेम्स क्वॉक ने के नेतृत्व में हांगकांग चर्च क्राउचिंग टाइगर 1 ने 30 जनवरी को अपनी पहली ब्रिंग योर नेबर डे सर्विस की मेजबानी की। केवल 27 शिष्यों के साथ 86 मेहमान उपस्थित थे, जो कि प्रत्येक शिष्य के लिए 2 से अधिक मेहमान हैं। चीनी नववर्ष के सम्मान में सर्विस के कैंटोनीज और मैंड्रिन दोनों ही चीनी बोलियों में गाए जाने वाले राज्य गीत शामिल थे। नया साल मनाने का अच्छा तरीका है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के चर्चों ने भौतिक रूप से 1 से अधिक मेहमानों के साथ अपने ब्रिंग योर नेबर डे को मनाया। मनीला में 16 साल की जेनी क्रूज ने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के परिवार में अपने नए आनंद के साथ वे अपने साथ 8 और दोस्तों को चर्च में ले आई, जो अब बाइबल का अध्ययन भी कर रही है। और शॉन क्रिस्टन ओकॉनर के नेतृत्व में प्रेरणात्मक रूप से गुआम के 52 शिष्यों के पास उनकी ब्रिंग योर नेबर डे सर्विस में शारीरिक रूप से 130 आत्माएं थी। कुछ हफ्ते पहले नाइजीरिया के एक विनाशकारी आग, जहां रियल मर्सी स्कूल मूल रूप से स्थित था, ने पूरे लकड़ियों के झोपड़ों को मिटा दिया, जहां छात्रों के कई परिवार रहते थे। परमेश्वर की स्तुति हो कि रियल मर्सी स्कूल पहले से ही ओकोबाबा गांव से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका था। हम बहुत आभारी हैं कि मर्सी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड सेक्टर लीडर्स
निक एंड डेनिस बॉडवी के जिन्होंने रियल मर्सी स्कूल परिवारों के लिए सहायता प्रदान की, साथ ही शिक्षा और सुरक्षा के लिए गुणवत्ता के निरंतर अवसर प्रदान किए हैं। और बॉस्टन में उनकी मेंटर वर्कशॉप का मुख्य आकर्षण प्रोविडेंस चर्च लीडर पॉल रॉड और डॉक्टर कैसेंड्रा किन के साथ जोसेफ और टाइलर कैगियोटा की नियुक्ति थी, जब राफेल और मेलिसा जरेस के नेतृत्व में मैनचेस्टर न्यू हेमिस्फीयर के साथ पोर्टलैंड मेन का नेतृत्व कैगियोटास के नेतृत्व में किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि बोस्टन दो मिशन टीमों को भेजने के लिए तैयार है। सेजेस वर्ल्ड सेक्टर में एक नया रोमांचक समाचार, नव विवाहित फ्रैंकी जिन्होंने चेन्नई चर्च में एक टीम के रूप में बपतिस्मा लिया था और चेन्नई कैंपस मिनिस्ट्री में बपतिस्मा लेने वाली अनी ने सब कुछ त्याग दिया और बैंगलोर इंडिया चर्च का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर की मुलाकात का जवाब देने का फैसला किया। मध्यपूर्व विश्व क्षेत्र के अमेरिकी हिस्से से डैनी एंड पैटी ग्रैंगर ने साझा किया कि लास वेगास चर्च ने साप्ताहिक बपतिस्मों के साथ जनवरी को समाप्त किया और आध्यात्मिक जुड़वा हैरी और फर्नांडो के अविश्वसनीय बपतिस्मे को भी देखा। और अब डेनवर कोलोराडो इवेंजलिस्ट और आईसीसीएम डेनवर के नए अध्यक्ष जेसन वुडी के जीवन में एक दिन। You know, I'll never forget when I first heard about ICCM. It was November 2012, and Michael Kirshner, our movement's administrator at that time, the LA Church administrator, inspired us that the church was going to start the International College of Christian Ministry. And they were going to choose 25 unpaid interns who were going to join the class, and those were going to be men and women that were going to be trained for the full-time ministry through this program. And in my heart of hearts, I knew I wasn't the most likely candidate to get in that program, but I really wanted to be a part of that program. I really believed by God, I was called by Him, so I prayed and I prayed and I prayed, and I'll never forget that day that my evangelist sat me down. And he showed me the roster with the 25 names, and I looked, my last name's Woody, so I looked all the way to the bottom, and I made the team. I got on the list. I was in the first historic class of ICCM Los Angeles. And I'll never forget that historic day of the first day of class. And that day, Kit preached a historic sermon that he has called The Dream. And that day, Kip inspired us that it was time for us 25 unpaid interns to be those men and women who dreamed, who were gonna literally take the gospel to all nations in our generation. And at that moment, I caught the dream to one day be a professor of my own ICCM and to be able to train up evangelists and women's ministry leaders and to be the professor of my own ICCM in whatever city the Lord would take me to. Then in 2021, the Lord called us to lead a supplemental mission team to Denver, Colorado. And since arriving here last August, we've truly seen God do incredible miracles. But for me personally, one of the greatest miracles of all took place two Saturdays ago. On January 29th, 2022, history was made as we had the inaugural class of ICCM Denver. And for me, my heart was so moved as my wife and I were able to welcome the new class. And we were able to show them the original picture of me in that first class over 9 years ago in 2013. And I was so inspired as I looked at the faces of those 14 interns in the Denver class, knowing that just as I received the dream 9 years earlier, they now had the dream in their hearts as well. If I could leave you with one challenge today, it would be to get a dream for God, decide to persevere, and never, never, never give up. आपके जीवन का एक दिन हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो
कुछ भी करते हैं उसके लिए हम आभारी हैं और हम आपके लिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आप डेनवर में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के अपने स्वयं के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अगस्त 2012 में स्थापित होने के बाद ICCM तेजी से आगे बढ़ा है। अब डेनवर की गिनती दुनिया के सभी 6 आबादी वाले महाद्वीपों पर 27 कैंपसेस में है। ICCM की बात करें तो हमारे पास कुछ बहुत ही रोमांचक नए बदलाव हो रहे हैं। हमारे प्यारे भाई मेक्सिको सिटी के डॉक्टर राहुल मोरेनो ICCM डायरेक्टर प्रोग्राम के पहले डीन बने हुए और इस अच्छी तरह से ऊर्जित अवसर की स्वीकृति के साथ राहुल ने ICCM बोर्ड ऑफ रेजिडेंट्स में अपनी सीट खाली कर ली। इसलिए जोहान्सबर्ग के डॉक्टर एंड्रू स्मेल, डॉक्टर माइकल क्रेशनर बोर्ड के अध्यक्ष, लुजैक मार्टिनीज और डॉक्टर हेलेन सोलवन के साथ ICCM में बोर्ड में शामिल हो गए हैं। ICCM इतना मूल्यवान है क्योंकि इसी तरह हम ईश्वर के आंदोलन के भावी नेताओं को प्रशिक्षित करने में सक्षम है। ICCM में ग्रहण अध्ययन के साथ एक नियुक्त इवेंजेलिस्ट या वुमेन मिनिस्ट्री लीडर के साथ चलना प्राथमिक तरीके से है जो हमारे पास अपने भविष्य के चर्च नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए है ताकि हमने देखा कि जिन लोगों ने ICCM से स्नातक किया है वे भूमिका लें मिनिस्ट्री के प्रति समर्पित होने की बात करें तो इस वर्ष हमारे पास 2 अद्वितीय चर्च रोपण हो रहे हैं और वे हैं कैंपाला उगांडा एंड सुक्री बोलिविया। इस महीने की शुरुआत में डेजी अरिगेबोसोला ओसासा और एरियल अटोम्बे और एंड्रू स्मेली ने इस जून में अफ्रीकन मिशन्स कॉन्फ्रेंस में कैंपाला मिशन टीम को भेजने की तैयारी में कैंपाला की यात्रा की। यह इतने सारे शिष्यों के लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा क्योंकि युगांडा की राजधानी कैंपाला में ग्रेट पर्ल इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्च लगाया गया है जिसे पर्ल ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है और एक साल बाद परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम देखेंगे कि आत्मा ने कोयासिस एंड एरियल को कैंपाला से नैरोबी कीनिया चर्च लगाने के लिए भेजा है। यह एक मिशन टीम है जो दूसरे मिशन टीम को भेज रही है, बहुत ही खूब है और इसका एक और उदाहरण सुक्रे बोलिविया में होगा जहां फरवरी में मेक्सिको सिटी के मिगुल और मिनल मोन चेलो के एक छोटे लेकिन शक्तिशाली समूह का नेतृत्व करना शुरू करेंगे जो मेक्सिको सिटी के जायर और रोएला सेटो द्वारा सहायता प्रदान करेंगे। जो बात इसे और भी खास बनाती है वह यह है कि नवंबर 2022 में सुक्र अपनी मोशन टीम सतोत से कोचबाम्बा बोलिविया के रोपण के नेतृत्व करने के लिए बाहर भेजेंगे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मिगुएल को एक टीम के रूप में और मरना को एक लॉस एंजलिस में एक कैंपस छात्र के रूप में बपतिस्मा दिया गया था। साथ ही बोलिविया की राजधानी सुक्रे को विश्वविद्यालय शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि आधी से अधिक आबादी छात्र है। हम सब इस खूबसूरत शहर में कई और कैंपस और टीम नेताओं को उठते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कृपया 27 फरवरी को सुक्रे इनॉग्रल सर्विस के लिए प्रार्थना करते रहे। 2022 के लिए निर्धारित 20 चर्च प्लांटिंग के साथ हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि और कौन जाएगा और परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ेगा। परमेश्वर ने दिखाया है कि आप भी इतने बूढ़े या बहुत छोटे नहीं हैं कि आप आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से उनके द्वारा इस शक्तिशाली तरीके से उपयोग ना किए जा सके। अगली बार तक के लिए जॉनसन और वंदना है जो आपको गुड न्यूज नेटवर्क से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तक की सबसे अच्छी खबर। नमस्कार।